कोरोना वायरस में मर रहे लोगों का आंकड़ा छुपाने की बात जहां पर विदेश के द्वारा की जा रही है, मैं आपको बता दें द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने इस पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जब प्रेस वार्ता पर उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि कोविड में मरने उत्तर प्रदेश के मौतों के आंकड़े क्या हैं। आइए डालते हैं इस बड़ी खबर पर एक नजर कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव सूचना ने आंकड़े जारी किए। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में 35,614 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,633 है। कुल एक्टिव केस की संख्या इस समय 2,97,616 है और अब तक कुल 7,77,844 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 11,165 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,29,578 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 1,07,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें थी। अब तक कुल मिलाकर 3,97,70,573 जांचें की जा चुकी हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो जहां एक ओर कल से करीब 2,500 केस कम आए हैं प्रदेश में, वहीं टेस्ट की संख्या बढ़ी है तो पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी गिरावट आई है। इसी प्रकार जो लोग स्वस्थ हुए हैं कल की तुलना में उनकी संख्या भी आज ज्यादा है। 25,633 लोग आज संक्रमण विहीन हुए हैं, संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस समय होम आइसोलेशन में 2,42,311 लोग हैं। 6,447 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में निशुल्क इलाज करवा रहे हैं, अथवा कुछ लोग जो जिनकी टेस्टिंग का रिजल्ट आ जाया होगा वो एलोकेशन के प्रोसेस में है। सर्वेलेंस की कार्रवाई लगातार चल रही है और अब तक 2,31,018 इलाकों में 5,68,650 टीम दिवस के माध्यम से 3,33,89,001 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,12,41,852 है। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और कल सारी गतिविधियां रोकने के बाद भी कोविड वैक्सीनेशन के कार्य को नहीं रोका गया और कल भी वैक्सीनेशन का कार्य हमारा सभी जगह चलता रहा। अब तक 97,79,846 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इनमें से 19,97,363 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक 1,17,77,209 डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं। दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और रेमडेसिविर भी भारत सरकार से आवंटन के पश्चात अब काफी संख्या में हमें प्राप्त होने लगी है, जिससे कि पूरे प्रदेश में इसको सभी जनपदों को उपलब्ध कराया जा सकेगा और सभी सरकारी
और जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं सबों को उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार रेमडेसिविर उपलब्ध करवाई जाएगी। टेस्टिंग के लिए और उपचार के लिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं उनका उनके दर निर्धारित है। जो दर निर्धारित है अगर उससे कोई किसी मरीज से अधिक पैसे लेता है, शुल्क लेता है, तो ये एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। और इस तरह की अगर कोई घटना आपके साथ होती है तो आप अपने जिले के जिलाधिकारी को अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसके बारे में सूचित करिए। इस संबंध में कानपुर नगर प्रशासन ने एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर यदि किसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में अधिक चार्ज किया जाता है, किसी को चार्ज किया जाता है, तो वो अपनी शिकायत उस व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकता है और तत्काल उसके बाद प्रशासन उसकी जांच करेगा और कार्रवाई करेगा। इसी तरह के प्रयोग और इसी तरह की व्यवस्था बनाने के निर्देश प्रदेश के सभी जनपदों को दिए गए हैं। पहले एंटीजन टेस्ट का कोई दर निर्धारित नहीं था। प्रदेश में एंटीजन टेस्ट के दर को निर्धारित कर दिया गया है। अब अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के प्रयोगशाला से या किसी अस्पताल में आप एंटीजन टेस्ट करवाते हैं तो उसके लिए केवल आपको ₹250 का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार RT-PCR के टेस्ट के लिए निजी प्रयोगशाला से आपको ₹700 का भुगतान करना है। अगर आपके घर से सैंपल लिया जाता है तो आपको ₹900 का भुगतान करना है। अगर ट्रूनेट का टेस्ट होता है तो प्रयोगशाला पर जाकर आपको ₹1250 का भुगतान करना है। और अगर आपके घर से सैंपल का कलेक्शन होता है तो आपको ₹1450 का भुगतान करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है आज की बैठक में कि कोई भी अस्पताल किसी मरीज को वापस न करे। अगर कोई मरीज कोविड का मरीज अगर आ गया है तो उसे, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसे सरकारी अस्पताल में दाखिला दिया जाए जहां कोविड के चिकित्सा हो रही है। अगर वहां बेड उपलब्ध नहीं है तो अगर वो किसी निजी अस्पताल में भी जाता है जहां कोविड की चिकित्सा हो रही है वहां उसे भर्ती कर लेना चाहिए। और वैसे मरीज के लिए सरकार आयुष्मान भारत के रेट पर निजी अस्पताल को भी भुगतान करेगी। जैसे हम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें हम आयुष्मान भारत की दर पर भुगतान कर रहे हैं कोविड मरीजों का, वैसे ही अगर किसी के पास साधन नहीं है, वो भुगतान नहीं कर सकता, तो केवल इसलिए कि वो भुगतान नहीं कर सकता इसलिए उसको वापस नहीं किया जाना है। अगर उसे सरकारी चिकित्सालयों में बेड के अभाव के कारण से बेड नहीं मिल पाया तो प्राइवेट अस्पतालों को भी उन्हें भर्ती कर लेना चाहिए और आयुष्मान भारत की दर पर राज्य सरकार उसका भुगतान, उस गरीब व्यक्ति का भुगतान, उसके इलाज का भुगतान करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोगों ने थोड़ा संयम बरता है, मास्क लगाया है, मास्क लगाने में की दर में जो वृद्धि हुई है और जो लोग बाग बाहर नहीं निकले हैं उसका असर हमें नंबर्स पर दिखाई पड़ा है और नंबर्स जो है स्टेबल हुए हैं और आज तो 2500 की संख्या कम भी हुई है। अगर आप सावधानी बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहेंगे, लोगों से दूरी बनाएंगे, मिले जुलेंगे नहीं, भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करेंगे तो संक्रमण नहीं फैलेगा और संक्रमण इसी प्रकार से नियंत्रित हो सकता है। तो कृपया करके ऐसी जगह न जाएं जहां भीड़ भाड़ हो। कृपया करके ऐसे आयोजन न करें जिसमें भीड़ भाड़ आए। कृपया करके अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। मुंह और नाक को ढककर रखिए। अगर आप मुंह और नाक को अच्छे से ढक के रखेंगे तो संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। और अगर आप 45 से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो अपना कोविड के लिए टीकाकरण जरूर करवाइए।
ये बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में हर जगह अभी निशुल्क हो रहा है, और ये देखा गया है, हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में जो लोग टीकाकरण के कारण से अगर किसी कारणवश वो संक्रमित हो भी गए, उनका हमने उनके आंकड़े का अध्ययन किया है, और उसमें ये बात निकल के आई है कि जो लोग भी संक्रमित हो गए टीकाकरण के 2 डोज के बाद, उनमें सिवेरिटी नहीं के बराबर आई, और वो तत्काल कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में फिर से वो स्वस्थ हो गए। तो जो कोविड के कारण से लोगों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, उन जटिलताओं से आप बच सकते हैं अगर आपने अपना टीकाकरण करवाया हुआ है। तो टीकाकरण अपना जरूर करवाइए। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो किसी प्रकार की उलझन हो रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-181-45 या 5146 पर फोन करके चिकित्सकों की राय भी प्राप्त कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर के अंदर रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। जैसा अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कल कुल मरीजों की संख्या में कमी आई है तथा संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। इस प्रकार संक्रमण में कमी के संकेत हैं, क्योंकि कल 2,29,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं और उतने अधिक टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। तो ये एक अच्छी बात है और अच्छा संकेत है प्रदेश के लिए। प्रदेश की सरकार जहां पर सर्विलेंस का पूरा काम जहां पे चल रहा है, पूरा एक अभियान चल रहा है पूरे देश में, सबसे बड़ा अभियान, जहां घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सत्यापन कर रही हैं, संक्रमित व्यक्तियों को उनका हालचाल जान रही हैं, ढूंढ रही हैं, तो लगभग 16 करोड़ की जनसंख्या तक ये टीमें हमारी पहुंच चुकी हैं। और उसके साथ साथ यदि हम 3,97,00,000 जो अभी तक टेस्ट हुए हैं वो मिला ले, तो लगभग 20 करोड़ की, 24 करोड़ की जनसंख्या में से 20 करोड़ की जनसंख्या तक उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वास्थ्य विभाग पहुंच चुका है, पहुंचा है और संक्रमण का हाल लिया है। वैक्सीनेशन की जैसे अभी बताया गया, प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो जितने हमारे नागरिक हैं, सबको निशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन की व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने निर्णय लेकर लगभग 1 करोड़ डोज का आदेश भी विभिन्न कंपनियों को प्रसारित कर दिया गया है। जैसे ही अभियान आरंभ होगा, विशेष तौर पर खुले स्थानों पर, कार्यस्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन टीकाकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। जैसा भी आपको बताया भी गया कि जहां जहां जिन जिन व्यक्तियों ने टीका लगवाया था, उनमें यदि संक्रमण की समस्या हुई है, उनको संक्रमण हुआ है, तो संक्रमण का बहुत असर नहीं हुआ है, उन्हें माइल्ड संक्रमण हुआ है, तो संक्रमण से बचने के लिए भी टीकाकरण कराया जाना बहुत आवश्यक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रातःकाल समीक्षा में काफी नए निर्देश भी दिए हैं। उन निर्देशों में कुछ अभी आपको बताए गए, जिनमें मुख्यतः ये कि किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा, और निजी अस्पताल में